हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या गाइडेंस आती है, क्या एनर्जी रिवील होती है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हों। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी सिर्फ दूसरे डिफरेंट पार्टनर के साथ मैरिड होते हुए किसी अफेयर में रहना नहीं है। आप सिंगल सेपरेटेड भी हो सकते हैं, और आपकी किसी से मैरिड पर्सन से आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, या आप मैरिड हैं और आपकी किसी ऐसे पर्सन से बॉन्डिंग हो सकती है जो कि सिंगल और अब सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है, जनरल है, कलेक्टिव है। चलिए, ये वाइस वर्सा टैरो डेक्स हैं, फ्रंट बैक होते हैं, मैं हमेशा बता देती हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स सी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी गाइडेंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। स्टार, इट्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Bottom of the deck, Ace of Swords. Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, or bottom of the deck mein Libra, Gemini, Aquarius. पहली बात तो ये कि डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो आप मेल हों या फीमेल, देर आर टू फेमिनिन एनर्जी जो कि आपकी लाइफ में है। आपकी रीडिंग में, आपकी एनर्जी में दो फीमेल कैरेक्टर्स हैं। डेफिनेटली एक वाइफ और एक लवर होंगी आपकी। और अगर आप फीमेल हैं तो इस रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि एक आप हैं और एक आपके ओपोनेंट हैं। ठीक है, इस रीडिंग में मुझे आपके पर्सन की लाइकिंग टूवर्ड्स यू बहुत क्लियर नज़र आ रही है। रीज़न नज़र आ रही है कि किस वजह से आपके पर्सन अपने ही पार्टनर को छोड़ के आपकी तरफ आए हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हैं। सो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, और देर इज़ अ बिग रीज़न जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। और अगर आप ये नहीं हैं तो आप एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हैं। जितना सूदिंग और एनर्जाइज करने वाला और हील करने वाला एलिमेंट आपकी पर्सनैलिटी में है, आपको एट अ टाइम उसको बिल्कुल ही शिफ्ट कर देना और फ्लिप करना आता है। ठीक है, वरना अगर बिल्कुल इसको सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न जो मुझे नज़र आ रही है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होने का एक बिग रीज़न, आपको ये पता चलता होगा कि हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बट पता नहीं अब उसके मिजाज को क्या हो गया है। अब उस तरह की नहीं रही जैसे वो पहले थी। अब उसके पास हर वक्त लड़ने के अलावा कुछ और नहीं होता। अब उसके पास हड्डे करने के अलावा कोई और बात नहीं होती। अब हम दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से आई एम विथ यू। जबकि आई एम विथ यू वाली जो बिग रीज़न मुझे यहाँ नज़र आ रही है, दिस क्वीन इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी क्वीन।
दिस एनर्जी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी एनर्जी. इस एनर्जी के पास पैसा भी है, खूबसूरती भी है, अकल भी है, और इस एनर्जी के पास गुस्सा है, और गुस्सा किसी बात को लेकर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये साहब बहादुर जो भी हैं, इनकी आदत ही है फ्लर्ट करने की, तो ये गुस्सा बजा है, ठीक है. और अगर आप ख़ुद फीमेल हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं, तो देर इज़ अ बिग रीज़न टू यू नो टू सी एंड टू वरी कि एक पर्सन किसी के साथ कनेक्टेड है, वो उसका उसकी सारी हीलिंग, सारी पॉजिटिविटी, सब चीज़ें, क्या ऐसा होता है कि फिर उसी का पार्टनर उसके ख़िलाफ़ हो जाता है. यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो भी हैं, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज ये दूँ, मुझे ये पर्सन ख़वातीन पर कोडिपेंडेंट लग रहे हैं, जिसकी वजह से एक ये एनर्जी जो कि बहुत ही इनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से हो सकता है, मीडिया से हो सकता है, ये जो आपकी ओपोनेंट एनर्जी है, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो, वरना जो आप मेल हैं जो देख रहे हैं तो मैं दोनों क्लैरिटी कर दूँ. ये जो एनर्जी है जो अब आपके साथ गुस्से में रहती है, आपके साथ कट ऑफ किया हुआ है, या कोई कंडीशन सेट की हुई है, या आपको लगता है कि अब इनको इनसे बात करने के लिए एक दो तीन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ेगा, उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक कडल किया है. और एक्सट्रीम लेवल पर तो जब इस एनर्जी ने कडल किया, सब कुछ दिया, एंड इवन देन इन द एंड दे फाउंड कि ये इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, तो इट्स बेटर कि अपने स्टैंडर्ड और अपने मोरल को हाई कर लिया जाए, अब नहीं की जाए बात, अब नहीं अपने आप को अवेलेबल किया जाए, बिकॉज जब सब कुछ मिलने के बावजूद भी इन्होंने 10 जगह पे मुंह मारना है, तो इट्स बेटर. यकीनन घर में भी कुछ मसला हुआ है, आपके पर्सन की फैमिली के थ्रू भी कोई मसला हुआ है, बट द पॉइंट इज़ के अब झगड़े जब तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं रहता, तो खामोशी और लड़ाई रहती है. दैट इज़ वाई दिस पर्सन कम्स टू यू. ये आपको लेकर भी घर में झगड़ा हो सकता है कि आपके बारे में पता चल गया तो आपके मुतालिक बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपके मुतालिक के ज़रूरत क्या थी, बिकॉज यहाँ पर तीन बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी हैं. एक स्टार कार्ड है एक्वेरियस का, फिर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. और अगर इसको बिल्कुल डिफरेंट परस्पेक्टिव से देखा जाए कि आप अपने पर्सन की नज़र में कैसे हैं, तो आपकी ट्रांजिशन यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है. आप एक सोशल मीडिया पर्सन या एक मीडिया आय में रहते हैं, लोग आपको जानते हैं, आप बहुत ही, आपकी सोल बहुत प्योर है, आप लोगों को हील करते हैं, लोगों को बैलेंस करते हैं, गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन आपको पता होती है, बहुत इंस्पायरिंग है. और उसके बाद कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आप इस तरह के बन जाते हैं, एंड यू कंटिन्यू दिस बिहेवियर जिसमें लड़ाई है, जिसमें अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली बात है. और फिर अब आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर आपके पास वेल्थ आ गई है, आप स्टेबल हो गए हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, और अब आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने साथ लोगों को संभाल सकते हैं. ये जो लड़ाई का फेज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप को लेकर, आप अपने पर्सन का पैटर्न समझ गए हैं. यस, आपको ये पता है कि आपके पर्सन, आपके पास एक्चुअल उनकी रीज़न क्या है. देर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग इन हिज और इन हर लाइफ. ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, और जेंडर पे ध्यान ना दें, आप मेल हो या फीमेल, बट देर इज़ एन एज गैप, और डेफिनेटली एज गैप होता भी है. ये पर्सन को पता है कि मुझे मैच्योर लोग ही संभाल सकते हैं, चाहे वो मर्द हों या वो ख़वातीन हों. और यहाँ तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है विद दिस कार्ड दैट दिस मेल एनर्जी इज़ डिपेंडेंट ऑन लेडीज़, जो मैंने पहले बात कही थी. ये अपने एंड पर, अपने बलबूते पर कम, और ये दूसरों के कंधे पर हाथ रख के ज़्यादा चलने वाले लोगों में से हैं. ये क्लैरिटी आपको पता है. लेट सी आगे क्या आता है, बिकॉज हो सकता है ये क्लैरिटी ऐसी हो कि आपको पता हो कि इसको संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको रिश्ते की ज़रूरत है, आपको किसी के साथ की ज़रूरत है, और इसको पता है कि आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पर ज़िंदगी कामयाब हो सकती है.
इन साहब बहादुर ने या इस एनर्जी ने पहले इनको भी इसी तरीके से यूज़ किया है, और अब जब झगड़े फसाद हो गए तो ये कुजा के उनको ठीक करें बल्कि कहीं और आगे आ गए। ये क्लैरिटी आपको पता चल गई है। आप खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपका भी अपना एक पास्ट का एक्सपीरियंस है, ये जानते हुए कि ये बंदा इसी इंटेंशंस के साथ आ रहा है। आपको खुद ये क्लैरिटी आ रही है, आपको ये खुद ये ऑफर पता चल रही है, बट इस वक्त शायद आप एक साथी की अर्ज में इतने ज़्यादा हैं कि आपको इसका ये वीक पॉइंट जो है वो बेयर करने के लिए आप तैयार हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट, नाइन ऑफ कप्स। कार्ड्स को ना समझना बड़ा ज़रूरी पड़ता है, एक भी इमेज गलत पढ़ लिया आपने तो रीडिंग ही पलट जाती है। देन फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शैरियट, दो मेजर आर्कानास, देन नाइन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है। फाइव ऑफ कप्स, यस। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कैंसेरियन, ठीक है, एंड देन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट इज ऑल्सो अ फायर साइन, लियो, बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यस, दिस इज फॉर श्योर दैट यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन। आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस पर्सन है, और ये फॉर श्योर है बात कि ये पर्सन आपकी फ्रीडम से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा मूव्ड हैं, ठीक है। आप बहुत अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं, विच गिव्स देम अ बिग रीज़न टू यू नो इंस्पायर, सही। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि और क्या फैक्टर्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर इस वक्त इस रीडिंग के, तो जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है इसमें एक बहुत मेगा चेंज जो है वो आने वाला है। बिकॉज विद द चैरियट कार्ड इट लुक्स लाइक कि आप एक डिसीजन की तरफ हैं, और डिसीजन जो है इन टर्म्स ऑफ करियर भी हो सकता है, और डिसीजन जो है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही चैरियट का कार्ड है, तो दैट मीन्स के जो आपको, आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि आपने जो कंडीशन लगाई है उसमें आपको खुद इतनी क्लैरिटी है कि मेरे साथ अगर चलना है तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलो, मेरे पास वक्त नहीं है। आप जो कुछ भी इस वक्त इन तीन कार्ड्स में जो मुझे नज़र आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप इस वक्त अपनी लाइफ की पीक सक्सेस और सेटलमेंट पर हैं, एंड दिस नाइन ऑफ पेंटिकल इज़ एश्योरिंग दिस कि आप इस वक्त बहुत सेटल हैं। फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने वो बात बता भी दी। प्लस आप जो है ना वो ट्रिक कर सकते हैं, आपको अपने फाइनेंसेस को आग बंद करके लुटाने में कोई शौक अब नहीं है। पहले आपने बहुत किया और अब आप बहुत सीक्रेट भी हैं, और अब आप बहुत संभल के अपने पैसों को खर्च भी करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने पहले ही कह दिया कि आपका अपना भी एक पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी बेसिस पर आप वो दुख दोबारा नहीं चाहते जो आपने पुराना लिया है। आपको होप नज़र आती है इस बॉन्ड में, इस रिश्ते में, लेकिन आप वो वाला पेन दोबारा बेयर नहीं करना चाहते जो आपने पहले बेयर किया। और वो पहला बेयर यही था कि किसी ने आपको बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया कि तुम बस मेरी ज़िंदगी का आखिरी ख्वाब, तुम पे मेरी सारे रास्ते आके रुकते हैं। एंड विद द नाइन ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक कि आप वाकई किसी की लाइफ में हों तो उस पर्सन की लाइफ काफ़ी कंप्लीट है, आप उसकी ज़िंदगी में अगर जुड़ जाएं, क्योंकि आपके मेजर आर्कानास के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपके पास नाम भी है, अथॉरिटी भी है और पावर भी है। तो गवर्निंग पर्सनालिटी होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट में जाती हैं, ठीक है ना, और उसका क्रेडिट आपकी प्रैक्टिसेस पर जाता है। ये जो साहब हैं या साहिबा हैं ये इम्प्रेस हैं आपसे, आपकी तरह रहना चाहते हैं, आपकी तरह जीना चाहते हैं, लेकिन
मुझे मेहनत करते हुए कम नज़र आ रहे हैं, और आप इस वक्त इतनी स्पीड में अपनी लाइफ में, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि मैंने इस वक्त जो कुछ अचीव किया है, चाहे वो जहन का सुकून ही क्यों ना हो, वो मैंने बहुत कुछ देने के बाद अचीव किया है। इस वक्त मेरी लाइफ में सेटलमेंट ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ पैसे के ही मद में हो, इस वक्त मेरी लाइफ की सेटलमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे जहन का सुकून है, बिकॉज दिस फाइव ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये सब चीज़ों पे हावी हो रहा है। आपकी अथॉरिटी क्यों आई, इस एक्सपीरियंस की वजह से आई, आपको किसी ने लाइफ में किस तरह से ट्रीट किया और फिर किस तरह ट्रीट किया ये नज़र आया, आपकी लाइफ में ये टाइम चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है सरा, इस वक्त आप इस तरह से क्यों हैं, बिकॉज आपकी लाइफ, यानी ये कार्ड पूरी रीडिंग को कवर कर रहा है। आपका सीक्रेट होना, अपनी फाइनेंसेस को सेव करना, सिक्योर करना, पैसों को खर्च ना करना, अपने राज ना बताना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप पहले बहुत ओपन अप हो चुके थे, एंड विद दिस मीडिया पर्सनालिटी, एक फेमस पर्सन होने की वजह से, लोगों की नज़रों में होने की वजह से, आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपा भी नहीं सकते, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनका काम धंधा ही यही होता है कि जब तक वो अपने आप को शोकेस ना करें लोग उनको नहीं याद रखते, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये पता है कि भाई शॉर्टकट है जो भी है, बट इसके साथ जुड़ गए तो अपना भी नाम हो जाएगा, ये वाली बात है। बट दिस इज़ समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल, और आप हुए हुए भी हैं केयरफुल, ठीक है ना। आपके पास इस वक्त रुकने का टाइम नहीं है, आप लगे हुए हैं और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप अपनी फ्रीडम को, आप अपनी फ्री स्पिरिट लाइफ को इन्जॉय भी करना चाहते हैं, एंड यू वॉन्ट इट टू बी द वे यू आर लिविंग इट राइट नाउ, ठीक है। और एनर्जी आपकी चेक करते हैं, वर्कहोलिक एंड क्वेस्ट। आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं और कहीं बाहर जाने का आपका प्लान हो रहा है, जिसमें आपको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिली है, इसीलिए शायद चैरियट की वजह से आप जल्दी में हैं, सोलमेट। आपको सोलमेट की पहचान है, आप उसको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, और ये जो पर्सन आपके लाइफ में इस वक्त मौजूद हैं, इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, बिकॉज आप डेफिनेटली एक ऐसी पोजीशन में हैं जिस वक्त वो कहते हैं ना कि अगर अगर अगले बंदे के पास माल हो तो इस्तिखारे में हाँ ही आती है, ये वो वाला हिसाब है कि आपके पर्सन को पता है कि आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फाइनेंशियली ये नहीं कि आप बिलियनर और मिलियनर हैं, द पॉइंट इज़ आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप कभी भी बेकार नहीं बैठ सकते। शायद आप पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी जॉब या आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि आप मल्टीपल एरियाज़ पर जॉब कर सकते हैं, आप किसी एक कैटेगरी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर हैं तो आप इंजीनियरिंग का काम नहीं कर सकते बिकॉज आप क्वालिफाइड हैं एक स्पेसिफिक फील्ड में, लेकिन आपने अपनी लाइफ में काम इस तरह से किए हैं कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होते हुए आप वेलफेयर वर्क, एनजीओ वर्क, एचआर वर्क, बैंकिंग वर्क, अकाउंट्स, ये तमाम चीज़ें, मतलब मल्टीटास्किंग है। अब जो इस वक्त आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं या आप किसी प्रेग्नेंट पर्सन का ख्याल रख रहे हैं, आप लिटरली चाहते हैं कि ये भी कंडीशन हो सकती है, बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है कि आपने कहा हो कि ये जो बेबी कंसीव हो गया है इसको नाम दो, इसको ऑफिशियल करो, ये भी एक हो सकता है मामला, और अगर ऐसा नहीं तो आप शायद इनके बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट इन देयर नॉलेज, ये हो सकता है। अदर देन दैट देर इज़ समथिंग यू आर फीलिंग योर सेल्फ लाइक कि ये जो मेरी लाइफ का इस वक्त फेस चल रहा है, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, ये मैं डिज़र्व करता था, ये मेरी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ ये बिल्कुल एक ऐसी ब्लेसिंग है जो इंसान इतने अरसे से जिस चीज़ को चाह रहा हो और वो उसको किससे रिजेंबल करे, तो वो होता है कि एक इंसान
एक औरत तब मुकम्मल होती है जब वो माँ बनती है। तो ये बिल्कुल ऐसी कम्प्लीशन और एक ऐसी सक्सेस और एक ऐसी अचीवमेंट है जो इससे ज़्यादा नहीं है। यू लिटरली फील लाइक दैट यू शुड मेक अ कमिटमेंट इन अ वे कि आप इनके साथ फैमिली बनाएं। आप एक परफेक्ट पर्सन हैं। आप अंदर से आपने जो कुछ भी अपने अंदर टटोल के रोक के अपने आप को ठीक किया है, अगले की नज़र में आप इतने परफेक्ट नज़र आते हैं कि उसको बिल्कुल एक तैयार फ्रूट नज़र आता है, जबकि अंदर आपने अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के तमाम सहवे, तमाम जितने भी आप ट्रॉमा से गुजरे वो आपने अंदर छुपाया हुआ है। आपने इस पूरे प्रोसेस में जब आप इस फेज से निकले हैं, आपने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि अब वो लिटरली आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने ज़्यादा बोल्ड हो चुके हैं आप, इतने ज़्यादा रिच हो चुके हैं एक्सपीरियंस पे कि अब आप कुछ भी कहें, कुछ भी क्रिएट करें, किसी के साथ भी जुड़ें तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होने लगती हैं। ठीक है, लेट्स सी हियर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग हम कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड से ये बात पता भी चल रही थी, फ्रीडम, लीप, यूरेनस, अपॉर्चुनिटीज। मैंने कहा था शायद आप बाहर के लिए प्लान कर रहे हैं और आप ये रिस्क लेना भी चाहते हैं। यू आर वेरी मच कंपैशनेट, आप इस वक्त बहुत ब्लेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये फेज़ मेरी लाइफ का एक सबसे बेटर फेज है, जब बिल्कुल लाइफ सेटल है। फॉरगिवनेस, शायद अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यूं भी हो कि आपके जो पुराने हस्बैंड या आपकी पुरानी जो मिसेस थी उन्हीं के साथ आपका अब एक मैरिटल अफेयर चल रहा हो। ये एक बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि मुझे यहाँ अपॉलोजी ऑफ फॉरगिवनेस नज़र आ रही है। जो चीज़ें विद इन द रिलेशनशिप रहते हुए नहीं नज़र आ रही थी वो अलग होने के बाद नज़र आ रही, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूरी नहीं कि आप दो डिफरेंट पार्टनर से मैरिड हों और फिर किसी से अफेयर चला रहे हों। आप सिंगल, सेपरेटेड और डिवोर्सी भी हो सकते हैं और यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये कुछ साइंस हैं, लेट्स सी कि आपके पर्सन की इंटेंशंस में क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कमिंग अप चीज़ें क्या हैं, अपकमिंग सिनेरियोस प्लीज़ बताइए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, यहाँ मुझे कोई एक पर्सन अपने करियर की तरफ बहुत आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरे पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है कोप अप करना, बट दे डोंट वांट टू गिव अप एज वेल, आपके ऊपर गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं। बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज, यस। द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लविंग बॉम्बिंग, लव कॉल, Someone expresses love or message of love. Mixed चीज़ें हैं but फिर भी clear हैं। थोड़ा सा ध्यान दें आप, बिल्कुल आग बंद करके, अब आपको experience हो चुका है, अब आग बंद करके आप तमाम चीज़ों को ना कर दें। Gratitude की reputation आई है। इस वक्त जो कुछ भी आप एज अ रिवॉर्ड रिसीव कर रहे हैं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट यू शुड रियली टेक इट द वे कि आपको ये बदले में ही मिल रहा है उन तमाम तकलीफ़ों के जो आपने अपनी पिछली लाइफ में बेयर की हैं। तो ध्यान रखें, और कोई आपसे लिटरली बात करके अपना लव एक्सप्रेस भी करेगा, कोई भी हो सकता है, ये पर्सन भी हो सकता है, वैसे भी मुझे लग रहा है कोई हो सकता है। ठीक है, आप अपने पर्सन की नज़र में एक नार्सिस्ट भी लगते हैं, उनको लगता है क्योंकि आपकी, देखिए मैंने कहा था ना आपकी बहुत अथॉरिटी फिगर है, तो उनको ये लगता है कि वो शायद आपको ब्लैकमेल करें, आपको थोड़ा सा विक्टिम फील कराएं कि यार तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या ही तुमने समझा हुआ है और मेरी तरफ से ही सब कुछ होता है, तुम्हारी तरफ से उतना नहीं आता, यानी ऐसे इस तरह की बातें वो कर सकते हैं। तो उसमें मत पड़िएगा बिकॉज़ ये आपकी सेल्फ वर्थ को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला इल्ज़ाम होगा। ठीक है, हाँ आप हैं आगे की तरफ, कीप ऑन डूइंग दैट। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।